भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 221 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने 16 रन से मुकाबला जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज में लीड ले ली है। साथ ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को पहली बार भारत की सरजमी पर T20 सीरीज में मात दी है। आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को सीरीज नहीं हरा पाई थी। मैं बात करेंगे टीम इंडिया की बल्लेबाजी की, तो भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी में KL राहुल ने अर्धशतक लगाया। इसके अलावा विराट कोहली अर्धशतक लगाने से एक रन से चूके। सूर्य कुमार यादव ने भी 61 रन की पारी खेली। साथ ही टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने भी शानदार रोल निभाया। वहीं बात करें अगर मुकाबले की, तो मुकाबले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोहित शर्मा अंपायर पर थोड़े से गुस्साए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरे मामले की आपको जानकारी दें तो टीम इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही थी तो दूसरे ओवर में परनेल टीम साउथ अफ्रीका के लिए गेंदबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक लेंथ बॉल फेंकी, जिसके जवाब में रोहित शर्मा ने वाइड की उम्मीद की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने वाइड का संकेत नहीं दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा थोड़े से नाराज नजर आए। इसके बाद उन्होंने अंपायर से भी हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या ये वाइड नहीं है। इसके बाद वीरेंद्र शर्मा ने मना किया और वहीं रोहित शर्मा ने तुरंत ही DRS का इशारा कर दिया। आपको बता दें कि यह जानकर सभी थोड़ा सा हैरान रह गए, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने उस गेंद को वाइड करार नहीं दिया था, लेकिन रोहित शर्मा को लगा कि ये वाइड गेंद है और इसी के चलते उन्होंने DRS की अपील कर दी। बहरहाल ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए रिवर इंडिया। नमस्कार।